नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन तोगा और आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है और आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यानी बच्चेदानी का बाहर आना। जो ये प्रॉब्लम थी पहले भी ओल्ड लेडी में आती थी, मतलब 50 साल के बाद ये देखी जाती थी, लेकिन आज के समय यंग लेडी में भी, मतलब 30 साल की लेडी में भी ये शिकायत आ रही है। क्योंकि जब हमारे पास क्लिनिक पर आते हैं, हमारे पास मैसेज आते हैं, तो जब भी एज बताते हैं सर हमारी एज 30 साल है 35 साल है, तो बात करेंगे ये प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, और इसकी चार ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा आपको। इन्हीं होम्योपैथिक मेडिसिन से आप ठीक हो जाओगे और आपको कोई भी ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कारणों के। देखिए इसके जो कारण है मेनली निकल के आता है लुकोरिया, जिसको लंबे समय से लुकोरिया है या सफेद पानी की शिकायत है, तो उसमें देखा गया है कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होने के चांसेस होते हैं। या जिसको एबोर्शन, जिसने बहुत बार एबोर्शन करा लिए हैं उसको भी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, या इन्फेक्शन हो गया है, तो मेनली यही रीजन ज्यादा निकल के आते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, लक्षणों की। लक्षणों में इसमें क्या होता है, जो लेडी है उसको बार बार पेशाब आएगा, पेशाब करने में परेशानी होगी, स्टूल करने में परेशानी होगी, और उसको कहीं ना कहीं बेचैनी रहेगी और कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट रहेगा, और पता भी चल जाएगा। क्योंकि उसको जब प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होता है, बच्चेदानी बाहर निकल के आ जाती है, तो उस लेडी को पता भी हो जाता है। अब बात करते हैं चार होम्योपैथिक मेडिसिन की। देखिए जो आपको ये चार होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले सिर्फ मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा होम्योपैथिक मेडिसिन से कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो बेल आइकन का बटन है वो जरूर प्रेस कर दो, क्योंकि जो ये वीडियो है आपके लिए ही बना रहा हूँ। क्योंकि मेरा एक ही इंटेंशन है, मैं यही चाहता हूँ कि आपका जो पैसा है वो बर्बाद ना हो और आपको बिल्कुल एक अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। इसमें जो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया आपको 200 में लानी है और उसकी दो दो बूंद दिन में 3 बार लेनी है। सेकंड मेडिसिन है लिलियम टिक। लिलियम टिक भी आपको 200 में लानी है। वो थर्ड मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना भी आपको 200 में लानी है। ये आपको 3 मेडिसिन है, ये आपको 200 में लानी है, और इनकी दो दो बूंद सीधा जीभ पर डालनी है दिन में 3 बार। एक बार आप फिर समझ लीजिए, फिर आप मेरे पास मैसेज करते हैं। इन तीनों की दो दो बूंद सीधा जीभ पर डालनी है दिन में 3 बार। इसमें चौथी मेडिसिन आती है, वो है मदर टिंचर। मदर टिंचर का नाम है फ्रैक्सिनस अमेरिका। ये मदर टिंचर आता है और इसका 15 बूंद, आधा कप पानी में 15 बूंद दिन में 3 बार। ये चार मेडिसिन आपको कंटिन्यू करनी है, 15 दिन 1 महीना आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए। और इसमें एक और मेडिसिन है बायोकेमिक, यदि आप इसमें ये भी ऐड कर लोगे तो और भी अच्छा रहेगा। इस मेडिसिन का नाम है कैल्केरिया फ्लोर 6x में, और इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार आपको इस्तेमाल करनी है। ये 5 मेडिसिन है, और ये 5 मेडिसिन आप 15 दिन या 1 महीना आप इसको कंटिन्यू रखना, और आप देखना 1 महीने के बाद आपका जो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है या बच्चेदानी का बाहर आना है वो अपनी स्थिति पर चली जाएगी, और आपको कोई भी ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब भी आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो जो मेरे नंबर है आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपना जो क्वेश्चन है वो अपना व्हाट्सएप पर, जो मेरा नंबर है व्हाट्सएप पर, इस पर भी आप टाइप कर भेज सकते हैं। और इतनी बेस्ट वीडियो जब आपके लिए मैं बना रहा हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना जितने भी अपने दोस्तों को, क्योंकि इसका जो मैं बीमारी बता रहा हूँ ना, इसका ज्यादातर आप यदि एलोपैथिक के पास जाओगे तो सिर्फ एक ही रीजन, एक ही रास्ता निकलता है कि ऑपरेशन करा लो, और ऑपरेशन खर्चा बहुत बैठता है। लेकिन जो ये होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ही सस्ती मेडिसिन है और हर जगह ये अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।